ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों मित्रों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक और नई ताजा वीडियो में। यह वीडियो आप सभी कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपके जीवन में दो बड़ी बातों का ध्यान रखना आप लोगों के जातकों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होने की संभावना दर्शा रही है। क्योंकि आने वाले चार दिन आप लोगों के जीवन में कई बड़ी खुशखबरियां आप लोगों को प्राप्त होने वाली हैं, परंतु आपको समय के साथ अपने आप को बदल लेना पड़ सकता है। दोस्तों समय के साथ आप लोगों को जीवन में दैनिक दिनचर्या में लाभ की प्राप्ति होंगे, जमीन जायदाद लेने का मौका मिलेगा, घर बनाने का मौका मिल सकता है, आज वाहन कार्य इत्यादि अपने सानो शौकत में बढ़ोतरी करने के मौके प्राप्त होने वाले हैं। आपको बताएंगे कि आपका लकी नंबर लकी कलर कौन सा रहेगा, कौन सा कार्य क्षेत्र में लाभ हो सकते हैं, कौन से महत्वपूर्ण सावधानियां बरतने की जरूरत रह सकती है, तो आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। तो वीडियो के लगातार अंत तक बने रहिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप माता रानी के यदि आप सच्चे दिल से भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी का जयकारा लगा दीजिएगा। तो दोस्तों समय आप लोगों के जातकों के लिए चंद्र राशि से पंचम भाव में अशुभ केतु के स्थित होने के कारण सबसे अधिक बुजुर्ग जातकों को अपने सेहत को लेकर सतर्कता रखने की जरूरत पड़ सकती है। अन्यथा योग बन रहे हैं कि उन्हें जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द आदि जैसी समस्याओं से परेशानियां हों, जिस पर उन्हें धन भी खर्च करना पड़ सकता है। दूसरों पर विश्वास करने तो ठीक है, लेकिन आंख बंद कर किए जाने वाला विश्वास कई बार मनुष्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो जाता है, और ऐसा ही कुछ समय आपके साथ आर्थिक मामले को लेकर होने के योग बन रहे हैं। आंख बंद कर किसी भी बात या किसी भी व्यक्ति पर विश्वास और भरोसा करने से बचें। आप लोगों की चंद्र राशि से बार में घर में बृहस्पति के उपस्थित होने के कारण आपका गैर जरूरी चीजों पर रुपये पैसा खर्च करना आपके माता पिता को नाराज कर सकता है, जिसके कारण संभव हो चुका है कि उनके डांट फटकार के साथ ही दूसरे सदस्यों के बीच सवाल जवाब की स्थिति भी बढ़ना पड़ जाए। इस दौरान इस राशि के जातकों के लिए केरल में आप लोगों के लिए काफी शुभ परिणाम को लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको सभी मनोवंचित फलों की प्राप्ति होंगे। यह समय आप लोगों के केरल और पैसों पर जीवन में लक्ष्य और महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक दिशात्मक शक्ति क्षमता प्रदान करने में सफल हो सकते हैं। यदि आप पॉलिटिक्स या सोशल सर्विस की पढ़ाई कर रहे हैं तो समय आप लोगों के लिए सबसे अच्छा रहेगा। वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को छात्रों को भी इस दौरान भरपूर सफलता मिलने के योग बनते नजर आ रहे हैं। मंगलवार के दिन केतु ग्रह के लिए हवन यज्ञ करना जीवन में आपको सुख संपदा से वृद्धि करेगा। थोड़ा सा विश्राम करना होगा, काम के बीच बीच में जितना हो सके उतना आराम करते रहना होगा। नौकरी पैसा वाले लोगों से जुड़े लोगों को आज धन की बहुत ही आवश्यकताएं पड़ सकती हैं, लेकिन बीते दिनों में कई किए गए फिजूल खर्च के कारण उनके पास पर्याप्त धन नहीं होगा। ऐसे लोगों से दूर रहें जिनकी बातें बुरी आदतें आप लोगों के ऊपर असर डालने का कार्य करती हैं। प्रिय की बातों के जात प्रति आप लोगों को जरूरत से ज्यादा संवेदनशील रह सकते हैं। आपको अपने जज्बात पर काबू रखने की जरूरत पड़ सकती है, ऐसा करने से बचना होगा जो मामले और आप लोगों को ज्यादा बिगाड़ सकती है। आज के दिन आप कार्य क्षेत्र में कुछ बढ़िया कर सकते हैं, परोपकार और सामाजिक कार्य आज आपको आकर्षित कर सकते हैं। अगर आप ऐसे कामों में थोड़ा सा समय लगाते हैं तो काफी संक्रात्मक बदलाव ला सकते हैं। जीवन साथी की ओर से मिले तनाव के चलते सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है, जो कि पड़ना मुमकिन होगा। जीवन में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद आपके जीवन पर सदा बने रहेंगे। आप अपने प्रेम संबंधों के कारण खुद को असहाय उलझा हुआ महसूस करेंगे। बहुत विवाद छोटी मोटी बात को लेकर आपको प्रिय से विवाद होता है, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और आज के दिन कई संक्रात्मक पहलुओं को लेकर जीवन में आ चुका है, जिनको आप लोगों को संभल कर रहने की जरूरत पड़ जाती है। आपका दिन शुभ बेहतर कार्य हो। जय मविंद वाष्णे, जय मलत में, जय मा दुर्गा, आपकी कामना मनोकामना।